दोस्तों फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ। अरे यार फोकस नहीं हो रहा, ये देखो हो गया ना। तो ऐसे नेचर में जाया करो, एंजाइटी जल्दी ठीक होगी। देखो मेरे को ना थोड़ा रिस्पांस कम आ रहा है, थोड़ा लाइक वगैरह करे करो वीडियो को, ठीक है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत से लोग हमें बोलते भैया हमको एंजाइटी हुई थी ना, तो कुछ टाइम बाद ना हमें सिम्टम्स बढ़ने लग गए। देखो सिम्टम्स जब ही बढ़ते जब आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हो, सिम्टम्स वगैरह देखते हो ना ये सारे लोगों के, तब बढ़ते। देखो मैं कभी भी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं बताता अपने, है ना। क्यों नहीं बताता कि मुझे पता है मैं बताऊँगा आप लोगों को होने लगेगी एंजाइटी, मतलब जिसका सुनते हो उसका आपको हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बाग अपने सिम्टम्स बढ़ाते जाते ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। पर वो अलग वीडियो में बात करेंगे। आज एक बात करते हैं एंजाइटी में होने वाला एक काफ़ी परेशान करने वाला सिम्टम, जो कि आपको सिर बजेगा उससे, सारे दिन सर में दर्द रहेगा। जो बात करो टिनिटस की, तो यहाँ पे कानों में ये वाली आती है ना, मैं कैसे बताऊँ उस आवाज़ को कैसे करूँ। जैसे स्कूल में कभी थप्पड़ पड़ा है या फिर घर पे कान पे थप्पड़ लगता तो सिट्टी बजने लग जाती, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आती है। आप समझ गए होगे ना किसकी बात कर रहा हूँ। देखो उसको ठीक करने का ना बहुत ही आसान रीज़न है, पर पहले बात करो या कोई सीरियस प्रॉब्लम है नॉर्मल है। यार देखो ये कान में सिट्टी बजना बहुत नॉर्मल होता है, हर कोई आदमी एक्सपीरियंस करता है अपने नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। पर एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी में तो कुछ भी होता ही मरेगा अब तो यही चीज़ होती है। अब तो पहले दांत में दर्द हुआ, दिमाग ख़राब, कान में कुछ हुआ, पर्दा ख़राब, आँख ब्लर हुई, पर्दा ख़राब आँख का, ठीक है। स्किन फटकी, नर्व ख़राब, पैर में जान कम लग रही, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, न्यूरोसर्जन, क्या क्या करते हैं दिमाग चलते, ठीक है। तो सिट्टियाँ वगैरह जो कान की होती नॉर्मली बचती थी आपकी लाइफ में, पर एंजाइटी में क्या होता है हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कि देखते रहेंगे ना, ऐसे ही हो जाता है। ओवर नोटिसिंग करते हैं हम, हमारे साथ जो लाइफ में पहले चीज़ें होती थी उनको भी, तो अगर वो उस टाइम पे हो जाते तो ये क्या हो रहा है, ऐसे रहेंगे। हाथों में पसीना पहले भी आता था स्कूल में जब पेन पेंसिल से काम करते थे, बट एंजाइटी के टाइम में आ गया तो ये तो एंजाइटी की निशानी है। पैरों में पसीना आ गया तो गर्मी चल रही होगी भाई, आते चप्पल पहनते किसी के पैर पसीजते, पर एंजाइटी के टाइम आ गया समथिंग इज सीरियस, ठीक है। एंजाइटी की दवाई खाते खाते इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, गे अब तो गे बनेंगे तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब शादी कैसे करेंगे, बच्चे कैसे होंगे, ये सारे दुनिया भर के ख्याल आते हैं। देखो टिनिटस की प्रॉब्लम क्या होती है, जब टिनिटस आपको कभी भी हो ना, मेरे को कैसा होता था, मैं अचानक से बैठा रहता था, फ़ोन चला रहा होता था, कुछ भी ध्यान दे रहा तो अचानक से इस कान में ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती थी। यार मैंने सोचा यार ये तो मेरे को पहले भी होती थी, इसमें क्या ऐसा है। पर वो क्या था, वीडियो देख ली थी मैंने कहीं से, तो वो चीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा चढ़ने लगी, ज़्यादा परेशान करने लगी, जस्ट बिकॉज कि मैंने वीडियो देखी थी। अगर मैं वीडियो नहीं देखता तो मेरे लिए वो नॉर्मल चीज़ थी। पर क्या होता है, लोग बाग आपको बता देते हैं कि एंजाइटी में तो ये होता है, टिनिटस होता है, ये होता है। तो ये सारी नॉलेज आपकी ना, देखो छोटी नॉलेज होगी तो भी मारे जाओगे, बड़ी नॉलेज होगी तो भी मारे जाओगे, इससे अच्छा नॉलेज मत रखो। अपारा हमारा काम है, खाओ पियो कमाओ सो जाओ घर बसाओ, है ना। इससे ज़्यादा चलोगे तो मरोगे, जिसका जो काम वही करो तभी सही रहोगे, है ना। चलो ठीक है, ये सारी बात ठीक है, आप लोग परेशान हो, मैं समझता हूँ। देखो टिनिटस की कभी भी प्रॉब्लम हो आपको बेस्ट बता रहा हूँ, कोई दवाई वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं है अगर अपने डॉक्टर से बात करें ना। मेरे को कभी भी टिनिटस होता था तो ये जो कान है ना, आपका जो ईयर लोब्स होता है ये वाला, ये इसको जब भी टिनिटस हो ऐसे दबा के रखो टाइट, 10 से 15 सेकेंड दबा के छोड़ दो, 2-3 बार करके देखो सिट्टी बजनी आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। इस कान में बजे तो इसमें से दबा के छोड़ो कुछ देर, इट विल बी ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो टिनिटस एंजाइटी में हो जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है दिखाने की ना, तो एक बार फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह ले लिया करो ना, कहीं मान लो कोई पानी वानी चला गया नहाते वक्त जब दिक्कत हो रही हो, ठीक है। और वैसा कुछ सीरियस नहीं होता, टिनिटस तो नॉर्मल आदमी को भी होता है, जो मैंने छोटा सा शॉर्टकट बताया ऐसे करके यूज़ करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अपने सिम्टम्स को ना ज़्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। एंजाइटी है उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लो कि भाई तू हो गई, ठीक है, 10-15 दिन हो जा, नहीं होगी जैसे तू 1 साल भी ले ले हमारा ना, पर ज़िंदगी में दोबारा मत हुई हो, तो ऐसे प्यार से उससे बात करके उससे लड़ के अपने आप को मना लो और आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे हो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, जो काफ़ी 4-4, 5-5, 10-10 साल से 2-3 दिन में ही से एंजाइटी में, भाई देखो थोड़ा सही पाथ पकड़ो,
हो जाओगे, ठीक है ना, सही पाथ पकड़ोगे ठीक हो जाओगे, चीज़ें सही से करोगे हो जाओगे, क्यों वो टेंशन ले रहे हो। मैं खड़ा तुम्हारे सामने, देखना कौन सी फ्लोर पर खड़ा हूँ, हाई तक पाँचवीं छठी फ्लोर पर, सारे घर छोटे छोटे, ना लिफ्ट है इसमें, और हाँ लिफ्ट तो खराब हो गई थी, मैं लिफ्ट में बंद हो गया था, मैं नहीं डरा, टाइम टाइम की बात है, सब वैसे ही ताकतवर हो जाओगे अब तुम दोबारा से, ठीक है। व्यू का एंजॉय लो, देखो इतनी सारी नेचर है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का मजा लो, ठीक है, ये सारी ये लाइफ है, ठीक है, ये लाइफ नहीं है घर में पड़े कार्डियोफोबिया ये कर रहे हैं, ठीक है बीमारी है कुछ टाइम की, ठीक हो जाएगी, ठीक है, परेशान मत हो। कार्डियोफोबिया को ख़त्म करने की वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है, 100% इस वीडियो पे आ गए 200-300 लाइक आ गए तो मैं कार्डियोफोबिया को एक वीडियो में ख़त्म करवा दूंगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फील फ्री में बने बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी ना जवान लड़खड़ाती है थोड़ी, नया यूट्यूबर हूँ ना, चलो बाय बाय।